लड़कियों, खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं पहले से ही देख रही हूँ कि मुझे कैसे स्वादिष्ट पैनकेक्स मिलेंगे। स्वादिष्ट जाहिर है, लेकिन फिर भी बोरिंग। यदि एक साधारण पैनकेक मकड़ी में बदल जाता है तो ये बहुत कूल होगा। एक अच्छा आइडिया है कैंडी। फिर मैं इस मकड़ी को एक प्यारा चेहरा दूंगी, आंखें और मुंह। तुम क्या कर रही हो? ये दादी पॉली के खास पैनकेक्स होने चाहिए थे। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। यदि तुम सच्ची में सुंदर पैनकेक्स पकाना चाहती हो तो मेरा सुझाव है कि तुम इसे एक चुनौती में करो। चलो चलते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए यह बेबी योडा खिलौना है। मेरे लिए उसकी तस्वीर के साथ एक पैनकेक बनाओ। कौन बेहतर करेगा उसे एक खिलौना मिलेगा। जल्दी करो क्योंकि तुम्हारा समय पहले ही शुरू हो चुका है। योडा मेरा होना चाहिए। मेरे पास पहले से एक योजना है कि मैं इसे कैसे ड्रॉ करूंगी। यह सिर्फ सुंदर नहीं होगा बल्कि एक बहुत स्वादिष्ट पैनकेक भी होगा। हाँ, अभी तक तो सब ठीक दिख रहा है। देखो मुझे क्या प्यारी तस्वीर मिल रही है। बहुत बढ़िया, जीत पहले से ही मेरी जेब में है। देखो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। वाह, कैंडी सच्ची में बहुत अच्छा कर रही है। हमें जल्दी करने की जरूरत है। मैं भी इस चुनौती को जीतना चाहती हूँ। हाँ, यह अच्छा दिख रहा है। देखो इधर, बहुत बढ़िया। हाँ, खैर कैंडी, मेरा योडा तुम्हारी तुलना में बहुत बेहतर है। इसे स्वीकार करो। चलो देखो इसे, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे पास किसी तरह का टेढ़ा योडा है। नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। मैं बहुत देर तक बैठी रही। लड़कियों, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। यह मुझे दिखाने का समय है कि तुमने कौन से पैनकेक्स निकाले हैं। आसान दादी, देखो क्या यह बेबी योडा प्यारा नहीं है? सच्ची में यह बहुत सुंदर है। सूजी, अब तुम्हारी बारी है। आप चौंक जाएंगी, इतना सुंदर पैनकेक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐसा लगता है कुछ गलत हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा काम नहीं है। कैंडी, बधाई हो, तुम इस दौर में जीत गई। बहुत बढ़िया। लड़कियों, नियम समान है, लेकिन इस बार तुम में से एक को यह विशाल जेली भालू मिलेगा। यह खाना पकाने का समय है, चलो शुरू हो जाओ। क्योंकि मैंने पिछले दौर में आउटलाइन के साथ इतना अच्छा किया तो मैं इसे भालू के साथ भी कर सकती हूँ। इसे ड्रॉ करना बहुत आसान है, इस तरह से। हाँ, ये बहुत अच्छा बन रहा है। हाँ, आसान, यह दिलचस्प है। इस रवैये के साथ कैंडी निश्चित रूप से हार जाएगी, लेकिन मैं भालू को गंभीरता से लेती हूँ। इसका मतलब है मुझे वह निश्चित रूप से मिलेगा और मैं इसे खाऊंगी। हाँ, मैं इंतजार नहीं कर सकती। अरे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? लड़कियों, समय खत्म हो गया, मुझे अपने पैनकेक्स दिखाओ। हाँ, आसानी से मुझे ऐसा नारंगी भालू मिला है। कूल। सूजी, तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास भी कुछ नारंगी है, लेकिन स्पष्ट रूप से एक भालू नहीं। परेशान मत हो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। कैंडी, बधाई हो, दूसरे दौर के लिए पुरस्कार तुम्हारे पास जाता है। कितना कूल, मैंने शुरू से ही स्वादिष्ट भालू को खाने का सपना देखा था। इसका स्वाद कैसा है? स्वादिष्ट है ना? बहुत अच्छा है। क्या तुम इस सॉफ्ट पिकाचू को लेना चाहते हो? फिर उसकी छवि के साथ एक पैनकेक बनाओ। तुम शुरू कर सकती हो क्योंकि मैंने पहले ही घड़ी को पलट दिया है। चलो शुरू करो। इस चुनौती में हम इतने सारे कार्टून चरित्रों को ड्रॉ कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अपने जीवन में पिकाचू को पहले कभी नहीं ड्रॉ किया है। मुझे उम्मीद है कि मैं यह कर सकती हूँ। यह बहुत सुंदर और रंगीन होना चाहिए। यह सूरज की तरह इतना चमकीला पीला होना चाहिए। जरा इसे देखो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेहतर देखो कि मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ और सीखो। शायद कम से कम उसके बाद तुम सीखोगी कि सुंदर पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। इस तरह से देखो, यह तुमसे ज्यादा बेहतर है। तुमने क्या किया? ओह, तो ऐसी बात है। क्या तुमने गलत तरीके से खेलने का फैसला किया है?
मैं तुम्हारे पूरा पैनकेक को बर्बाद कर रही हूँ। लड़कियों झगड़ा मत करो, तुम्हारा समय वैसे भी खत्म हो गया है। देखो मुझे कैसा पिकाचू मिला है। बहुत अच्छा। सुजी तुम्हारा क्या है? मुझे नहीं लगता कि आप इसे पसंद करेंगी, ये थोड़ा धुंधला है। हाँ हाँ मुझे सच्ची में ये पिकाचू पसंद नहीं है। खैर इसका मतलब है कि कैंडी इस दौर को भी जीतती है। चलो सब उसे बधाई देते हैं। बहुत बढ़िया है ये, मैं आज लकी हूँ। अब मैं सॉफ्ट पिकाचू के साथ खेल सकती हूँ। लड़कियों एक गुड़िया के साथ इस केक को कौन चाहता है? इससे पहले कि तुम में से कोई एक को यह मिल जाए तुम्हें पैनकेक बनाना होगा। तुम शुरू कर सकती हो आसानी से। मेरा सारा बचपन मैंने सुंदर कपड़े में सुंदर गुड़िया बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है, तो मैं इस बार कैसे असफल हो सकती हूँ? सब कुछ अच्छा होगा, मुझे यकीन है। इस तरह से मैंने आउटलाइन बनाया और अब रंग भरती हूँ। मैं इस बार जरूर जीतूंगी। मेरी राय में यह बहुत समान निकला। मुख्य बात यह है कि ड्रेस बड़ा होना चाहिए। ये सच्ची में ऐसा दिखता है, लेकिन मैं कैंडी को इस दौड़ में जीतने नहीं दे सकती। मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, फिर मुझे केक मिल सकता है। इस तरह से मैं अच्छे से करूंगी। मैं थोड़ा और रंग डालती हूँ, इसे ज्यादा रंगीन होना चाहिए। हाँ यह एकदम अच्छा है। अब दूसरा रंग। हाँ यह भी बढ़िया लग रहा है, और मुझे लगता है कि मैं इस बार जीतूंगी। बहस क्यों, अब हम यह पता लगाएंगे कि इस चुनौती को कौन जीतता है। ठीक है मैं तैयार हूँ आपको दिखाने के लिए। कैंडी हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। सोजी क्या तुम मुझे इस बार कम से कम कुछ अच्छा के साथ आश्चर्यचकित कर सकती हो? मुझे यह स्वीकार करते हुए खेद है कि कैंडी ने फिर से सबसे अच्छा पैनकेक बनाया, तो डॉल केक उसके पास जाती है। ओह ये कितनी बड़ी है, और मैं अकेले इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? क्योंकि मैं बहुत सुंदर पैनकेक्स बनाती हूँ, तुम बस मेरे साथ खेल नहीं सकती। वैसे केक बहुत स्वादिष्ट है। सूजी काश तुम इसे आजमा सकती। लड़कियों मैं तुम्हें खुश करने की जल्दबाजी करती हूँ। इस दौर में तुम्हारा पुरस्कार एक मिस्ट्री बॉक्स है। एक तिजोरी ड्रॉ करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अंदर क्या है। मुझे लगता है अभी इसके अंदर कुछ बहुत ही स्वादिष्ट छिपा हुआ है, तो यह आराम करने का समय नहीं है। मुझे ऐसी तिजोरी ड्रॉ करने की जरूरत है ताकि सूजी निश्चित रूप से उसे हरा न सके। फिर इस दौर में जीत मेरी होगी, यह पक्का है। हाँ असल में इसे ड्रॉ करना इतना मुश्किल नहीं है। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। हाँ यह अच्छा है जाहिर है, लेकिन मैं बेहतर करूँगी। सबसे साधारण पीले बॉक्स को ड्रॉ करने से आसान क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि कम से कम मैं इस दौर को 100% जीत सकती हूँ। चलो इसमें रंग भरती हूँ। उफ मुझे किस तरह की बेकार बोतल मिली है, कुछ भी निकल क्यों नहीं रहा है। जाहिर है हमें इससे ढक्कन को खोलना होगा। ओह अरे नहीं ये क्या हो गया, मैंने फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुम तैयार हो? मैं सच्ची में पहले से ही तुम्हारी तिजोरियों को देखना चाहती हूँ। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ दादी अभी दिखाती हूँ। कैंडी हमेशा की तरह तुमने बहुत अच्छा किया है। सूजी तुम्हारी तिजोरी कैसी है? हाँ कूल। हाँ कैंडी बधाई हो, आज स्पष्ट रूप से तुम्हारा दिन है। तुम एक सरप्राइज के साथ ये पूरी तिजोरी जीतती हो। वहाँ क्या है, कितना दिलचस्प है। वाह यहाँ बहुत सारे अलग अलग ट्रीट्स हैं। यही असली खुशी है। और क्या तुम अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकती हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लो मेरे पास अभी भी बहुत सारे ट्रीट्स है। इस बार तुम्हारा पुरस्कार या कैक्टस होगा। और यह क्या करता है? तुम मुझे नहीं समझे, यह कैक्टस डांस कर रहा है। क्या यह सुपर कूल नहीं है? नियम वही रहते हैं, तुम्हारा समय पहले से ही शुरू हो गया है। मैं एक डांसिंग कैक्टस को मना नहीं करूंगी। मैं विश्वास करना चाहती हूँ कि मैं इस दौर को भी जीतूंगी। हालांकि मुझे अभी भी बहुत खुशी है कि मैंने चुनौती में भाग लिया।
तो मुझे लगता है कि अच्छा बन रहा है। आहा, मुझे कभी तो भाग्यशाली होना चाहिए और मुझे इस दौर के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास एक योजना है कि एक प्यारा और बहुत सुंदर कैक्टस कैसे ड्रॉ किया जाए। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा और मैं इस डांसिंग कैक्टस को अपने लिए रख पाऊंगी। हाँ, अब तक तो यह अच्छा बन रहा है। हाँ, जरा से देखो कितना अच्छा है। बस अब इसमें थोड़े डिटेल्स जोड़ना बाकी है। जरा इसे देखो, यह अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, सूजी का कैक्टस सच में बहुत अच्छा है। मुझे जल्दी करने की जरूरत है। इस तरह से थोड़ा इधर। हाँ, अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। लड़कियों, मैं पहले से ही नाच नाच के थक गई हूँ। अब ये विजेता चुनने का समय है। हाँ, हम तैयार हैं। यह रहा कैंडी, तुम्हारा कैक्टस जल गया है। यह अच्छा नहीं है। वाह सूजी, तुमने आखिरकार कुछ अच्छा किया है। बधाई हो, यह डांसिंग कैक्टस तुम्हारे पास जाता है। आखिरकार, यदि आप केवल जान पाते कि मैं कितनी खुश हूँ। कैंडी, चलो इस कैक्टस के साथ नाच करते हैं। ये बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, नॉम को सब्सक्राइब करें ताकि स्वादिष्ट और दिलचस्प चुनौतियों को मिस ना करें। हमारे साथ रहे, यहाँ सब मजेदार होता है।